टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में मध्य मुकाबल होंगी। पाकिस्तान को हर हाल में ये मैच जीतना होगा। अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतता तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का फैसला किया गया है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फखर जमान को टीम में शामिल कर लिया गया है। फखर जमान के अलावा मोहम्मद हारिस और मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा होंगे। जबकि जिन खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप किया जाएगा उनमें हैदर अली, आसफ अली और शहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। नाजरीन आपको बताते चलें कि शहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है, जिसकी वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान ये मैच शाम 4 बजे खेला जाएगा।